मैंने किसी भूरबन का सवाल अभी आपसे ये पूछना था कि सर मतलब वो जिस तरह की जगह थी और पहले जिस तरह से जीएम्स वहाँ पे फेल हो चुके हुए थे, आपको वहाँ पे भेजना और आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, और अब आपके वहाँ पर जाने के बाद और उसको इतनी एक कामयाब जगह बनाने के बाद बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपने उसको इतना सर इसके पीछे किया कैसे आपने? एक्चुअली जीएम काम नहीं करता, अब तो वहाँ पर सिफारिशों से भी सर कमरे नहीं मिलते हैं। काम करती है टीम। आपके अंदर आर्ट होना चाहिए कि टीम से काम कैसे लेना है। मुझसे पहले यह था कि स्टाफ का टर्न ओवर बड़ा हाई था। यू सी, मेरा की ऑफ सक्सेस यह है कि जहाँ जिस प्रॉपर्टी में जाता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक केयर ऑफ माई स्टाफ। इफ माई स्टाफ इज हैप्पी, माई कस्टमर विल भी हैप्पी। इफ माई कस्टमर इज हैप्पी, द ओन ऑटोमेटिकली भी हैप्पी। फिर वो ऐसी रिजॉर्ट प्रॉपर्टी थी, यू हैव टू डू सम एंटरटेनमेंट। आप वहाँ कोई म्यूजिकल इवनिंग करें, कोई फैशन शोज़ करें। तो मैंने वहाँ काफ़ी फैशन शोज़ वगैरह किए, म्यूजिक ज़िले हम शी यूज कम ओवर देयर, राहत फ़तह अली साहब, नॉट फ़तह अली, नुसरत फ़तह अली साहब यूज कम, आदा परवीन के शो, ईसा खेलविक शो। आई कैप पीपल बिजी बिका, आपने सारा दिन स्पेंड करना है। तो मेरा की अवसर से ये था कि मैं कुछ ना कुछ वराउंड लगा ही रखता था, तो लोग आते थे, लोग इन्जॉय करते थे। तो मैं आई गिव द होल केयर टू माई टीम, वेर एवर आई गो आई गॉट द बेस्ट टीम। और स्टाफ के लिए भी मैंने काफ़ी फैसिलिटी वगैरह दी, उनके लिए मैंने क्लब बनाया ताकि कोई यंगस्टर स्टाफ काम करता ज़्यादा होटलों में, अब शाम को वो बोर हो जाते थे, उनके लिए मैंने क्लब बनाया एक ताकि वो भी शाम को इंजॉय करें। और फिर स्टाफ कंड टर्न ओवर कम हो गया। फिर मैं जिस प्रॉपर्टी में जाता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई चेक द रेट्स, रेट्स क्या उस प्रॉपर्टी के। मुझसे पहले दो गोरे थे, दो पाकिस्तानी जीएम, दोनों फेलियर थे, उन्होंने रेट बड़े बढ़ा दिए थे। मैं सबसे पहले मैंने रेट को देखा कि क्या रीजनेबल रेट है जो एवरीबॉडी कैन अफोर्ड द रेट्स, एंड माशाल्लाह आई फील।